तो फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया गया था 21,810 फिन निफ्टी में वहीं पे शॉर्ट कवरिंग आई, और जहां कहा था रेजिस्टेंस वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इस तरह से एग्जैक्ट लेवल आप तक पहुंचाए गए। उसी तरह मिड कैप निफ्टी में जहां बताया था 11,551, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी, वही देखो लगातार ऊपर चलती गई, और जहां रेजिस्टेंस कहा था वहीं पे आके प्रॉफिट बुकिंग फिर आई। मतलब एग्जैक्ट लेवल वैसे वैसे ही मार्केट ने मूव किया, जैसे जैसे आपको बताया गया था कि यहाँ पे भैया शॉर्ट कवरिंग और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पहले ही आप तक सारा डाटा पहुंच जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए, और उसके अलावा जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम सेंसेक्स पे आते हैं। तो सेंसेक्स में मैंने बताया था 74,650 के ऊपर ब्रेकआउट वो आया, और रेजिस्टेंस ध्यान रखना अब यहाँ पे है 75,435 के आसपास। फ्रेश ब्रेकआउट जो बनेगा 75,600 के ऊपर है, और ऊपर के जो इंपॉर्टेंट लेवल है 76,000 और 76,500। 76,500 पे एक बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट है अब 74,000 के आसपास अब इसकी सपोर्ट। तो ये था सेंसेक्स का प्राइस एक्शन। अब गोल्ड पे आते हैं। तो गोल्ड में आपको बताया था 72,736 के ऊपर ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट वहां तक गया 73,176 तक। नीचे 72,117 के आसपास इसकी सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस जो है 73,725 तक। मतलब अगर यहाँ गया 73,725 के आसपास फिर से प्रॉफिट बुकिंग बन सकती। तो ये था गोल्ड का प्राइस एक्शन। उसके बाद आते हैं रुपये पर। रुपये में बताया था 83.52 के पास सेलिंग रेजिस्टेंस है, तो वही हुआ, वहां से फिर से रेजिस्टेंस फील करी और नीचे की ओर फिर से जो लेवल 83.32। और अगर हम आए स्टॉक पे, स्टॉक हमारा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता, हम हमेशा चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो ये मुझे चार्ट पैटर्न मिला है, एक तो इसमें डबल बॉटम, ये देखिए ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, दूसरा राउंडिंग पैटर्न के ऊपर भी ब्रेकआउट आया हुआ है। टीवीएस मोटर की आप स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में अब जो सपोर्ट है वो नोट कर लीजिए। पहली सपोर्ट है 21,700 से 750 के एरिया में, दूसरी सपोर्ट है 21,600 से 630 के एरिया में। मतलब दो जगह सपोर्ट है, और यहां से अगर सपोर्ट लेती है फिन निफ्टी तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 884, 22,000 से लेकर 22,060। ध्यान रहे ये सारा एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसा कि कल भी समझाया था, और वहीं से आपने देखा प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अब फ्रेश शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 22,150 के ऊपर। ऊपर का जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर एक बार शॉर्ट कवरिंग बनी तो 22,196, 22,347, 22,350 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और बड़ा रेजिस्टेंस ध्यान रहे वो वहीं पे है जहां ऑल टाइम हाई लगा था 22,650 के आसपास। तो ये था फिर निफ्टी का सेटअप। अब निफ्टी, अब आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में जानिए कहां कहां सपोर्ट है। पहली सपोर्ट तो देखिए जहां आज ले रही थी बार बार सपोर्ट 11,550 पे, सेकेंड सपोर्ट 11,400 टू 450, थर्ड सपोर्ट 11,278 से 330। ये तीन लेवल पे सपोर्ट है, और यहां से अगर मान लीजिए नीचे से सपोर्ट लेती है तो 367, इस एरिया से सपोर्ट लेती है तो 497, और 550 से सपोर्ट लेती है तो 693। ये इसके इनके रेजिस्टेंस रहेंगे। ये ध्यान रहे 11,700 पे बड़ा रेजिस्टेंस है। आज भी आपने देखा कैसे तेज प्रॉफिट बुकिंग यहां से आई भी 11,700 के आसपास। अब जो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो बनेगी 11,830 के ऊपर, और फिर ऊपर का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 950, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, काफी बड़ा, यहाँ से तेज प्रॉफिट बुकिंग भी बन सकती है। तो ये था कंप्लीट प्राइस एक्शन।
मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।